तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI 11 के सिस्टम लॉन्चर के बारे में, क्योंकि यहां पर एक ब्रांड न्यू अपडेट आई है। मेरे को थोड़ी सी रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए एक वीडियो ले आया हूँ। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये अल्फ़ा लॉन्चर है, अगर आपने ट्राई करना है आप कर सकते हैं। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है और जैसे कि आप कोई APK इंस्टॉल करते हैं आपने वैसे ही इसे इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। प्लीज़ कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि इस अपडेट के बाद आपके जो आइकॉन्स हैं नीचे वो गायब होते हैं या नहीं होते हैं, आप कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, तो ये प्लीज़ कॉमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फीचर जो है वो रिमूव किए गए हैं, जो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर होम स्क्रीन में जाते हैं, यहाँ पर आपको ऐप ड्रो देखने को मिल जाती है। और दोस्तों जो भी पहले फीचर थे यहाँ पर वो वैसे के वैसे ही हैं। यहाँ पर आपको डार्क मोड की जो है ऑप्शन मिल जाती है, जो ये सब सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, इसे थोड़ा सा अच्छा ही किया गया है। और यहाँ पर आपको रिसाइजेबल आइकॉन की भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। पर दोस्तों यहाँ पर जो फीचर निकाले गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप कोई भी विजिट यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर अगर आप टैप एंड होल्ड करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलती थी रिमूव की, तो अब उसे निकाल दिया गया है। अब आपको वही पुराने वाला जो है ऊपर जो है वो क्रॉस का साइन मिलता है, यानी कि आप वहाँ पर जाकर इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि रिमूव। तो यहाँ पर भी आप कोई ऐप में जो है वो 3D टच करते हैं तो रिमूव की ऑप्शन नहीं आती है। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन में जाते हैं यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको डुअल ऐप की तो जो है ऑप्शन देखने को मिलती है, पर जो अनइंस्टॉल एंड रिमूव की ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी उसे अब रिमूव कर दिया गया है। अब पता नहीं है क्यों रिमूव कर दिया गया है, उसमें कुछ बग्स थे या ऑलरेडी वो जो फीचर्स हैं अप्रूव्ड हो गए हैं। अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्यों उसे जो है उन्हें रिमूव किया गया है। पर दोस्तों अगर आपको इन उन सभी फीचर्स की ज़रूरत है यानी कि रिमूव एंड अनइंस्टॉल की, तो आप इस लॉन्चर को जो है अब इंस्टॉल मत कीजिए, आप पुराने वाले पे ही रहिए क्योंकि वही बेस्ट रहेगा। पर दोस्तों अगर आपको बग्स मिल रहे हैं पुराने वाली में तो आप इसे इंस्टॉल करके चेकआउट कर लीजिए, शायद आपके बग्स जो है इसमें कम हो जाए, आपकी लैग जो है वो कम हो जाए, आपका फ़ोन स्मूथ चलने लगे इस लॉन्चर से। तो दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने इंस्टॉल करना है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी यहां पर इस लॉन्चर की अपडेट के बारे में।